वेलकम टू टागी विद एसीएस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप लोग उसमें एलिजिबल हों तो अप्लाई कर सकें और आपको पूरी जानकारी हो सके। ठीक है, तो आप लोगों को एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो उसी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एग्रीकल्चर भर्ती के बारे में, एनएससी की जो निकल के आई है। कृषि छात्रों के लिए सुनहरा मौका है, पद 89 है और एलिजिबिलिटी बीएससी एजी अलाइड सिलेबस सैलरी एज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसका शॉर्ट नोटिस जो है वो आ चुका है, जिसका वीडियो मैं कल बना के आप लोगों को दे चुका हूँ और आज जो जानकारी दी जाएगी उसमें पूरी जानकारी होगी। कल जो मैंने वीडियो में जानकारी दी थी वो शॉर्ट नोटिस था, उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, सिलेबस सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, तो आज इस सब की भी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएएच, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा और आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, बाद में तो एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, कल मैंने आपको सुबह ही जानकारी दे दी थी। और एक नोटिफिकेशन आज आएगा और एक कल आएगा, तो ये कल का मेरा मैसेज है टेलीग्राम पर। और कल जो आपकी वैकेंसी आई थी वो ये थी, जो सेंट्रल वेयर हाउस से निकल के आई थी, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया था। और आज जो नोटिफिकेशन आया है वो एनएससी का आया है और यहाँ पे आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाती है हमेशा सही साबित होती है, तो एक बार फिर से सही साबित हुई है। और अब चलिए बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, एनएससी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया, नेशनल सीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एनएससी इंडिया, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे अदर वैकेंसी भी हैं एग्रीकल्चर के अलावा, इसमें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की बहुत वैकेंसी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए टोटल जो वैकेंसी हैं वो 89 है यहाँ पे, ठीक है 89। और यहाँ पे पद वाइज जो पद हैं अलग अलग हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, एग्री ट्रेनी की वैकेंसी हैं टोटल 40 हैं, ठीक है, टोटल वैकेंसी 40 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 9 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं और फ्रेश 9 हैं, और बैकलॉग जो है पिछली बची हुई 1 है, फ्रेश 8 और बैकलॉग 1 जो ओबीसी की हैं, यहाँ पे देखिए 9 और 1 टोटल 10 हैं, जिसमें से फ्रेश और बैकलॉग दोनों हैं, ठीक है, ये करके पूरी टेबल बनी हुई है। और ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी हैं, और ट्रेनी मार्केटिंग ये भी, और एग्री स्टोर्स ये 12 वैकेंसी हैं टोटल। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर पर दिया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग सर्विस लाइबिलिटी, तो ये ऑल इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है और भी योग्यताएं हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर की, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की, बीएससी एग्री प्लस एमबीए इसमें मांगा गया है, फुल टाइम और 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस, और इसके अलावा या फिर एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद ए मिनिमम 60% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, आजकल हर जगह कंप्यूटर मांगा जाता है। इसके अलावा ट्रेनी की बात करें, ट्रेनी एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस आपको ये मैंडेटरी आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनी मार्केटिंग, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर आपको आपके लिए यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर सिर्फ मांगा गया है 60% मार्क्स, तो ये बीएससी एग्रीकल्चर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में भी मांगा गया है और ट्रेनी एग्री स्टोर्स में भी बीएससी एजी मांगा गया है। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनी एग्री स्टोर्स, तो इनमें सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही मांगा गया है 60% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। बस सैलरी की बात कर लेते हैं, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर इनकी बात अलग कर है, और मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सैलरी है ट्रेनी की, देखिए ट्रेनी ये सबसे नीचे लिखा हुआ, इसकी 23,664 पर मंथ मिलेगी, ये ऊपर वाली मैनेजमेंट ट्रेनी है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये 23,664 है, काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें, देखिए एज लिमिट जो है वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी 25/9
2023 को जूनियर असिस्टेंट जूनियर ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इनकी ये 30, 30 और 27 है। ट्रेनी की बात करें तो यहाँ पे 27 ईयर आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज, ठीक है, 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ज़्यादा है तो आप लोग अगर किसी कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पूरी टेबल दी गई है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो ट्रेनी की ही बात करेंगे यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे 3 स्टेज दी गई है, पहला तो रिटन एग्जामिनेशन आपका एक होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उनकी मेरिट बनेगी, उससे आपको सिलेक्शन होगा। आप लोगों को क्लियर कर दें, आपकी जो एग्रीकल्चर की ट्रेनी पोस्ट है इसमें कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं लिखा हुआ है, इंटरव्यू सिर्फ ऊपर वाली पोस्ट के लिए लिखा हुआ है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अभी मैंने बता दिया ऊपर आप लोगों को। पोस्ट आइडेंटिफिकेशन सुटेबल फॉर और कैंडिडेट, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड, ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा इसमें। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या रहेगा आप लोगों का, सीरियल नंबर दिया गया है। पोस्ट ट्रेनी की बात करें तो यहाँ पे सुपरवाइजरी करनी होगी आप लोगों को और ऑपरेशनल लेवल वर्क इन फील्ड्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है, ये आपको करना होगा। अच्छा, आप लोग पूछेंगे ये गवर्नमेंट वैकेंसी है या तो प्राइवेट, तो आपको मैं बता दूँ ये सेमी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, ठीक है, मेरी नॉलेज के हिसाब से। बाकी आप लोगों को नॉलेज हो तो कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और बता दूं अपनी तरफ से सैलरी के बारे में, इसमें मैंने सुना है हर 3 साल में सैलरी बढ़ती रहती है आप लोगों की, ठीक है। इसके बारे में अगर किसी भाई को नॉलेज हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई कर चुके होते हैं और जिनको इसकी नॉलेज होती है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये कंडीशंस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट कुछ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अप्लाई करना चाहते हैं इसमें तो, ठीक है। और इसमें ट्रेनिंग की कंडीशन दी गई है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना क्या मिलेगा। इसके अलावा जनरल कंडीशन फॉर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू रीड, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसमें वो लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। और आप लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, देखिए ये वेबसाइट दी गई है www.indiaseeds.com, तो ये वेबसाइट है, देखिए जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए www.indiaseeds.com, इस वेबसाइट पे आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, मैं वही बातें बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो स्टार्टिंग मैंने दिखाया वहां से आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 सितंबर 2023 है, सब्जेक्ट टू एनी एक्सटेंशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा 10 अक्टूबर 2023 को, टेंटिव है, टेंटेटिव मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है वो दे दी गई है 10 अक्टूबर 2023। और टाइम टाइम पे इनकी वेबसाइट भी चेक करते रहना रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो ये हो गई पूरा नोटिफिकेशन, मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया, 9 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और टारगेट विद एसएच, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे नोटिफिकेशन डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आराम से पढ़ के अप्लाई कर दीजिएगा। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। नमस्कार।